कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक पहुंच पाएगा। मुझे हंसी आती थी अगर कोई इंडिया के वर्ल्ड कप में जाने की बात करता था, लेकिन आज वही बातें सच हो चुकी है क्योंकि हमारी युवा खिलाड़ी रश्मि ने हमारा सपना सच कर दिया है। और हमारे सामने है रशियन डिफेंडिंग चैंपियन नटालिया राइकर, जिसे हारना नहीं आता। वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है और हाल ही में हुए मैच को कोई भूल नहीं पाया होगा जब नटालिया ने रश्मि को 8 सेकंड में नॉकआउट किया था। रशियंस कमाल के गेम प्लानर होते हैं। नटालिया पहले हेवी वेट कैटेगरी से थी, लेकिन उन्होंने अपना वजन कम किया ताकि वो लाइट वेट कैटेगरी से खेल सके। विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइनल, ये है लाइट वेट कैटेगरी। रेड कॉर्नर में है भारत की तरफ से रश्मि और ब्लू कॉर्नर में रशिया की तरफ से खेल रही है नटालिया। फर्स्ट राउंड बॉक्स। व्हाट अ पावरफुल हुक। रश्मि का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। कोई बात नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास है हमारी रश्मि ही जीतेगी, उसे कोई नहीं हरा सकता। सर उसके पास पावर है, स्टाइल है, सब कुछ है, पर पता नहीं आज क्या हो गया उसे। नटालिया पॉइंट स्कोर कर रही है रश्मि का हर डिफेंस तोड़कर। ये मैच नहीं, बिल्कुल मिसमैच है। मत करिए, आप जाइए सर, वो आपकी स्टूडेंट है। आप उस देव की खटिया धमकी से डर नहीं सकते। सारी लड़कियां आपकी उस भागी हुई पत्नी की तरह नहीं होती है, आप इन्हें समझाइए ना। सॉरी हम तो मिले ही नहीं। मैं हूँ पॉन्ट्स, पंच पॉन्ट्स, वाइजाग में जूनियर कोच था। और आप? जिस लड़की की बात कर रहे हो उसे मैंने ही गोद लिया है। रश्मि पे नटालिया ने पंचेस की बौछार कर दी है। नटालिया काफी अच्छी खेल रही है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा हुक था। ऊपर वाले का शुक्र है रश्मि आज बेल बजने। तुम उसके करीब क्यों नहीं जा रही? ज्यादा अटैक करो, कुछ समझी कि नहीं? आदि सर आए क्या? नहीं, वो नहीं आएगा। तुम बिल्कुल सही खेल रहे हो, अपना गेम चेंज मत करना। नटालिया 7 अंकों से अभी भी लीड कर रही है। रश्मि के लिए मैच हाथों से निकलता जा रहा है। रश्मि नटालिया से लड़ नहीं पा रही है और उनका कोई स्कोर भी नहीं है। देखते आगे क्या होता है। जिता देना, जिता देना उसे। हे भगवान, हे भगवान, जिता देना मेरी बेटी को, मेरी बेटी को जिता देना, मेरी बेटी को जिता देना भगवान, मेरी बेटी को जिता देना। सेकंड राउंड, सेकंड राउंड बॉक्स। रश्मि को इस राउंड में अंक हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर उसने अंकों को हासिल नहीं किया तो भारत का जीतना लगभग नामुमकिन है। ये क्या, एक और हुक सीधा रश्मि के सर पर। एक बार बेल ने रश्मि की जान बचाई है और इसी के साथ सेकंड राउंड खत्म हो गया। रश्मि चोट लगने की वजह से काफी थक चुकी है, क्या वो अगला राउंड खेल पाएगी? सिक्योरिटी स्टैंडिंग।
दादी सर आए क्या? चल। रश्मि को काफी गहरी चोट आई है। डॉक्टर की जांच के बाद अगर वो अनफिट घोषित हुई तो उन्हें गेम छोड़ना होगा। भारत की जीत के बीच काफी गंभीर माहौल है। रश्मि को काफी गहरी चोट आई है। काफी गंभीर माहौल है। चंगेज खान एक बात अच्छी तरह से जानता था, अगर जंग जीतनी हो तो शत्रु के हथियार को तबाह कर दो, और अगर शत्रु के पास हथियार ही ना हो तो हमारी जीत आसान हो जाती है। वो रश्मि नतालिया के हाथों पर वार क्यों कर रही है? बेशक उसे पॉइंट्स नहीं मिल रहे, लेकिन मैच उसके कंट्रोल में है। लगता है वो जानती नहीं कि हाथों पर वार करने से पॉइंट्स नहीं मिलते। This is ridiculous. नतालिया पहले से ही जीत के करीब है, और फिर रश्मि नतालिया के हाथों पर क्यों मारे जा रही है? क्यों समय बर्बाद कर रही है? और फिर से नतालिया का एक स्ट्रेट पंच। रश्मि ऐसा क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नतालिया को 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले उसे हरा चुकी हो, आखिर कर क्या रही हो? जैसी नहीं रही, वो बदल गई है। बकवास है ये। देखो तुम आगे चल रही हो, थोड़ा संभल कर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। बस अटैक करती रहो, ठीक है? हाथ पे मारने का क्या फायदा? फेस। एक बात याद रखना, अब कोई भी गलती मत करना, ठीक है? जा फोड़ दे, जा। सेकेंड्स आउट, फोर्थ राउंड। बॉक्स। चेहरे पे मार।
और आखिरी 50 सेकेंड। इतने कम समय में क्या रश्मि कुछ कर पाएगी? क्या रश्मि ने अपना गार्ड नीचे कर दिया है? रश्मि पहले से ही काफी थकी हुई है और वो समझ चुकी है कि ये जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं है। सभी भारतीयों ने इस मैच से मेडल की उम्मीद लगाई थी, अब उनका दिल टूट गया है। मैच रहा ये, क्या स्ट्रेटेजी है जिसे पिछले 3 साल से कोई नहीं हरा पाया, उसे वैसा की एक लड़की ने सीधा नॉकआउट करके हरा दिया, खुद का एक नया इतिहास रचा, खासकर फाइनल राउंड में। फैंटास्टिक, फैबुलस राउंड। यह आखिरी राउंड भारत के बॉक्सिंग इतिहास में 4 चांद लगाने वाला था और हमेशा इस बात पर हमें गर्व रहेगा। ये मैच हमेशा हर भारतीय के दिल में यादगार रहेगी। आज रश्मि ने ये बात को साबित कर दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, तुमने सही कहा था, मुझे माफ कर दो।